नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो डीएनए है वो किस तरह से होता है और उसकी उपस्थिति कहाँ पर होती है। तो कई बार बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं कि डीएनए आखिर होता कहाँ है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे डीएनए गुणसूत्र के अंदर उपस्थित होता है और गुणसूत्र से फिर केंद्रक में और फिर केंद्रक से पूरी कोशिका में ये उपस्थित होता है। तो दोस्तों, आपने कभी कल्पना की हो कि जो बच्चा होता है वो कई बार अपने मम्मी या पापा की शिकल पे जाता है, या दोस्तों अपने ही किसी अड़ोस पड़ोस या परिवार के गुणों से काफ़ी मैच करता है। क्या दोस्तों आप जानते हो कि ये सब कुछ डीएनए की वजह से होता है? अपना अनुभव आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। मेरा नाम है विकास कुमार और दोस्तों हम आज इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने कभी कल्पना की हो कि जो आधार कार्ड होता है उसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, तो दोस्तों सभी बिंदुओं पर मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। तो देखिएगा, तो सबसे पहले दोस्तों, जो सीढ़ी की जैसी आकृति आप देख पा रहे होंगे चित्र में, तो इस सीढ़ी में जो है दोस्तों होता क्या है कि इसमें दोस्तों एक न्यूक्लियो बेस और दोस्तों शुगर फास्फेट, ये दोस्तों दोनों साइड में अलग अलग जो है दिखाया गया है। दोस्तों ये सीढ़ी अगर हम खोल दें तो दोस्तों एक बिल्कुल सीढ़ी की तरह ही ये संरचना हमें दिखाई देती है। नहीं दोस्तों, अगर हम इसको अलग अलग खंडों में डिवाइड करके देखें तो देखिए कुछ इसकी संरचना इस प्रकार हमें दिखाई देती है। दोस्तों इसमें शर्कराएं भी होती है, थायमीन, एडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन। वहीं दोस्तों अगर मैं आरएनए की बात करूं तो दोस्तों गुआनिन के स्थान पर उसमें यूरेसिल होता है। और दोस्तों चलिए इसके आगे की बात करते हैं। इस तरह से इसकी संरचना दोस्तों होती है। एडिनिन और थायमीन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और दोस्तों साइटोसिन और गुआनिन में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होती हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अगर हम इसके आगे की बात करें तो दोस्तों चलिए इसको फोल्ड करके इसके आगे की बात समझते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। अब समझते हैं दोस्तों इसके अंदर जो स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से होती है। तो दोस्तों इसमें 8 हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि 8 हिस्टोन प्रोटीन के अणु दोस्तों इसमें होते हैं। H1 हिस्टोन प्रोटीन से इस तरह से जुड़ा होता है। और दोस्तों अपने आप में ये देखने के लिए बड़ा ही सुंदर नज़ारा होता है। ये दोस्तों हमें किताब में काफ़ी समझ में नहीं आता है या फिर दोस्तों काफ़ी जटिलता हमें इसको समझने में आती है। देखिएगा दोस्तों, इसको मैंने यहाँ पर ग्रुप में भी दिखाया है। और इसी ग्रुप को दोस्तों अगर हम आगे बढ़ाएं तो दोस्तों ये क्या है, ये प्रोटीन स्केलेडोन है। और इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, तो ये जोड़ों में दोस्तों गुणसूत्र देख रहे हों, ये गुणसूत्र है और ये केंद्रक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और दोस्तों ये पूरी की पूरी कोशिका यूकेरियोट कोशिका दोस्तों इस तरह से होती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको डीएनए समझ में आ गया होगा। किस प्रकार डीएनए उपस्थित होता है इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा और दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।